कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जेपी की जन्मभूमि शताब्दी आर पर अमित शाह ने दी मिशन बिहार को धार, निशाने पर है नीतीश व लालू। बिहार के कई इलाकों में बारिश से बिगड़ी स्थिति, पटना में वज्रपात से मौत, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार में जदयू को झटका, पूर्व विधायक गुड्डी चौधरी बीजेपी में शामिल। सीतामढ़ी में सरकारी कार्यालयों पर 11 करोड़ बकाया वसूली के लिए लगेगा स्मार्ट मीटर। भागलपुर में बिजली संकट, अब सुबह 9:30 बजे से ही बिजली के एरिया बोर्ड का कार्यालय होगा शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की बड़ी खबरों का, रुक करते हैं खबर की ओर। खबर बक्सर से है जहां शराब का व्यवसाय निस्तनाबूद करने की मुहिम में उत्पाद विभाग बेहद अलर्ट मोड पर है। वहीं इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उत्पादक अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि उन्होंने शराब का धंधा जरा भी पनपने का मौका नहीं दिया और उन्होंने कहा कि शराब धंधेबाजी को लेकर जिला उत्पाद विभाग को कठोर रवैया जारी रखेगा और शराब धंधेबाजी को गंभीरता से लिया जाएगा। देखिए, ऐसे तो मद्य निषेध पूरी तरीके से लागू है, लेकिन इसके उपरांत भी रोजगार के अंतर्गत आपके शहर में इथेनॉल की एक फैक्ट्री लगाई जा रही है जो नवा नगर में है, जिसका उद्देश्य है कि जो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है उसको मिक्सअप करना है। अभी 10% इथेनॉल पेट्रोल डीजल एवं में करीब मिलाने की बात है, तो उससे एक बोझ जो है, जो मेरी बाहरी जो खासकर डॉलर से जो परचेज करते हैं, सरकार की ये नीति है कि उस मिक्सअप करने से इतना हमारी वो सेस बचेगा, तो उसके हिसाब से एक इथेनॉल की फैक्ट्री आपके साथ जो बक्सर जिला है जहाँ नवा नगर में लगाई जा रही है, वो मार्च तक एक है वो चालू हो जाएगा। खबर बिहार के आरे से है जहां सहार थाना क्षेत्र में अज्ञात एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव बरामद होने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौजूद लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी और भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। सहार का एक डेड बॉडी महिला की मिली है, युवती भी कह सकते हैं आप, अभी उस युवती की पहचान नहीं हो पाई है मृतका की, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पे जो बातें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पे ये वारदात कल संध्या में, देर संध्या करीब 8:30 से 9 बजे के बीच की बताई जा रही है और वहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा जो प्रारंभिक अवस्था में डेड बॉडी देखा गया था उसमें और सुबह जब देखा गया है उस दौरान में परिवर्तन था, तो उसको FSL की मदद से हम लोग उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ी उसमें हम लोगों की आवश्यकता है बॉडी की पहचान होना, ताकि उसके आधार पे हम लोग अग्रतर अनुसंधान कर सकें। इसमें जिस अवस्था में बॉडी सुबह बरामद हुई थी तो अर्धनग्न बताया गया था, तो उसकी भी पुष्टि हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बोर्ड के जरिए दिए गए रिपोर्ट के आधार पर ही कर पाएंगे। कहने को तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन एक कहावत सही कही गई है कि दिखता कहीं नहीं है पर बिकता हर जगह है, वही हाल बिहार का है। ताजा मामला शिवनारायणपुर थाना के लाइन होटल के पास रेलवे फाटक की है, जहां रामपुर गांव का रहने वाला शराबी जो खुलेआम शराब पीकर मथुरापुर से अपने गाँव रामपुर जा रहा था, तभी ज्यादा शराब पीने के कारण अपने साइकिल को लेकर गिर पड़ा। वही जब शराबी से पूछा गया कि आपका घर कहाँ है, तो उसने बताया कि मेरा घर रामपुर है और मैंने शराब मथुरापुर से पिया है। अब सवाल उठता है कि जब बिहार में शराब बंदी है तो इस तरह खुलेआम शराबियों को शराब कहां से मिलती है और इनका दोषी कौन है?
बिहटा के अमराहा गांव के पास देर रात बेखौफ अपराधियों ने पत्रकार रविशंकर सिंह को घेर कर गोली मार दी और वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। बताया जाता है कि अमराहा निवासी पत्रकार रविशंकर को अपराधियों ने बर्थडे पार्टी से घर जाने के दौरान घेर लिया और उन पर 4 से 5 राउंड फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली पत्रकार रविशंकर को पैर में लग गई और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और मामले की जाँच में जुट गई है। खबर लखीसराय से है, जहां मननपुर के दुर्गा मंदिर परिसर में लक्ष्मी नारायण के पट खुलते ही लक्ष्मी नारायण पूजा का शुभारंभ शुरू हुआ, जो 2 दिन तक होता रहेगा। वहीं इस पंडाल को लोगों ने फूलों से सजाया। बता दें कि कमेटी के लोगों ने बताया कि मेले को लेकर पूरी व्यवस्था की गई और मेले में चारों ओर CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। बताते चले कि लगभग 16 सालों से चले आ रहे इस लक्ष्मी नारायण पूजा को लोग श्रद्धा भक्ति और आस से करते आ रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों को किसी प्रकार का धन वैभव की कमी ना हो। और इनका जो स्वागत के तौर पर अगर देखा जाए प्रतिनिधित्व के तौर पर, प्रतिनिधियों को अगर स्वागत के तौर पे, तो बजरंगी साह है और उसके साथ जो हम लोग कमेटी का जो प्राथमिकता बनता है वो अपने तरफ से सर सम्मानित गमछा हो या फूल हो या चादर हो सब देख के भेंट करें। बिल्कुल 5:30 बजते हो जाना चाहिए स्टार्टिंग, और देखा जाए तो लमसम आधा घंटा की होती है तो 6 बजते समाप्त हो जाएगी, 5:30 बजे स्टार्टिंग होती है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कल रात जो है 8:30 बजे माता पाठ हो गया था और सवेरे काफ़ी भीड़ है संग्रादियों की, जो काफ़ी भीड़ में आए हुए हैं और अच्छा व्यवस्था किया गया है कमेटी की तरफ से। कारोबार कर रहा हूँ, सबसे पहले CCTV कैमरा है और हमारे कमेटी के सभी सदस्य हैं जो इस पर फोकस दिए हुए हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसमें। खबर नालंदा से है, जहां के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि विश्व में जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या है और उसे उभरने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और भारत सरकार ने 49,000 करोड़ की लागत से 13 बड़ी नदियों को मिलाने व उसके संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभियान की शुरुआत की गई और पर्यावरण की रक्षा के लिए इसका नाम निर्मल धारा स्वच्छ किनारा रखा गया और उन्होंने युवा पीढ़ी को अपने जीवन काल में 5 पेड़ अवश्य लगाने की अपील भी की। एक क्षेत्र में किसी कमी है, पोषण तत्व कमी है, तो दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे खनिज पोषण तत्व की अल्पता है। परंतु तो हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीर से लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां किसानों के लिए विकल्प ढूंढा, उन्होंने जो मिट्टी का हेल्थ कार्ड, सॉइल का हेल्थ कार्ड, आदमी का, मनुष्य का हेल्थ कार्ड बनता था, मिट्टी का हेल्थ कार्ड कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे देश में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष अभियान के तहत अब हेल्थ कार्ड मिट्टी का बन रहा है। हर किसान अपने खेतों का मिट्टी का जांच कराए और हेल्थ कार्ड रखे, कौन खेत कितना उभरा है उसकी जानकारी, उसके अनुसार कौन सा फसल डालना चाहिए इसकी भी तैयारी करें। खबर नालंदा से है, जहां भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल का कैंपस उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 12 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन इमरजेंसी वार्ड के बाहर हंगामा करने लगे और हंगामे को बढ़ता देख इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर भी वहाँ से भाग निकले। वहाँ अस्पताल में हंगामे के चलते अन्य मरीजों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें, इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोषी परिजनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नालंदा जिले में रिंग सेरेमनी में खाना खाने के बाद करीब 100 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और देखते ही देखते पेट दर्द, बुखार, उल्टी की शिकायत होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और ये संख्या करीब 1 से 10 तक पहुंच गई, जिसके बाद नाजुक हालत में लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों ने मरीज में फूड प्वाइजनिंग की शिकायत बताई। हम लोग गए थे बरसलीगंज उत्तरी बाजार, फौदी साहब के बगल में एक मैरिज हॉल है, उसी में खाना खाने के बाद ऐसा हुआ मेरे साथ। कहाँ से कहाँ गया था लोग? बिहार शरीफ भरावपुर LIC ऑफिस के पास से। 3 मरीज भर्ती हैं, ये लोग कोई शादी रिंग सेरेमनी समारोह से आए थे, 3 लोगों को तेज बुखार, उल्टी और दस्त हो रहा था। अब तो कंडीशन कुछ सुधरी है इन लोग को, प्रथम दृष्टया ये फूड प्वाइजनिंग लगता है।
इन लोग का बोलना है कि वहाँ और 8-10 लोग बीमार पड़े हैं। तो मतलब ये सर खाना खाने से नहीं होगा सर खराब? संभावना तो यही है कि खाना में। तो क्या सीरियस कंडीशन में आए थे आपके? हाँ सीरियस कंडीशन, एक तो अभी भी सीरियस है। खबर नालंदा से है जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की 135वीं जयंती 21 अक्टूबर को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाई जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर जयंती को यादगार बनाएंगे। वहीं डॉक्टर सिंह ने कहा कि जयंती सन 2000 से मनाई जा रही है, उस समय से जयंती की सफलता में प्रोफेसर डॉक्टर शशि भूषण पांडे और मंटन सिंह बच्चन जी का काफी सहयोग मिलता रहा है और कोरोना काल के बाद इस बार काफी हर्षोल्लास से जयंती मनाए जाने की तैयारी चल रही है। 22वां साल है जब हम लोग श्री बाबू बिहार के प्रथम मंत्री और देश के जाने माने राष्ट्र सेनानी, उनका जयंती समारोह हम लोग प्रदेश के स्तर पर आयोजित करते हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए इस बार और बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित करके श्री बाबू का जयंती, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से नई पीढ़ी को जोड़ने का हम लोग का प्रयास रहता है। खबर नालंदा जिले से है जहां बिहटा सरसेरा टुलेन के बिंद प्रखंड अंतर्गत अलीपुर गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनके इलाज के लिए निजी क्लिनिक में ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बता दें 24 घंटे के अंदर गांव 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। वहीं मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंपा। पापर गया है, पापर गेट पर को छोड़ के उसके बाद वहाँ से अपना इन लोग चलाया है और अंदर कर दिया है, उसके बाद फिर चलाया। फिर क्या इनकी मृत्यु का कारण साजिश तहत है? कैसे साजिश तहत इसमें हत्या करने का और क्या इसमें है? बिहार की खबर की ओर, खबर नवादा से है जहां जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के बढ़ई बिघा निवासी युवक के घर में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने बताया कि खाली घर देखकर चोरों ने रविवार की रात को मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और जेवरात से 2,50,000 नगद लेकर फरार हो गए। वहीं मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। हम शनिवार को अपना पैतृक घर भदसेनी गए हुए थे, रविवार की रात भी हम वहीं थे। रविवार के रात में ही हमारे घर में ये सब अंजाम दिया गया, सब चोरी कर लिया गया। इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे सब हमारे गहने थे हमारी पत्नी के, इसमें 2.5 लाख रुपए हम कैश भी रखे हुए थे, जो हम तुलसी आहार में एक मकान बना रहे हैं वहाँ पर हमारी ढलाई करनी थी, उसके लिए हम नगद भी रखे हुए थे। वो सारा हमारा नगद, इतने सारे जेवर सब, ये गोदरेज तोड़कर सारे रूम के सामान को अस्त व्यस्त कर और इसके साथ तो अभी हमने देखा नहीं है, ये तो नगद में आ रहा है, इतना जेवर और 2.5 कैश चोरी कर लिया गया है, जिसकी मैंने प्राथमिकी थाना हसुआ थाना में हम दर्ज करवा चुके। नवादा में जयप्रकाश नारायण की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही, इसी क्रम में समाज सेवियों ने प्रजातंत्र चौक पर जयप्रकाश नारायण की आत्मकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। साथ ही उपस्थित लोगों ने जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प किया। वहीं समाज सेवी मनीष सिन्हा ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बता दें इस मौके पर दर्जनों की संख्या में समाज सेवी मौजूद रहे। 1974 वाला आंदोलन जो है जेपी को पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया याद रखी हुई है और हम लोग सदा याद रखेंगे। और युवाओं से एक बात की अपील करते हैं कि जेपी के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर आगे की उन्नति संभव है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। खबर नवादा से है जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वार सदर अस्पताल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक अदालत के पैनल एडवोकेट ने उपस्थित लोगों को लॉ की जानकारी दी और उनको बताया कि जिला विधिक से प्राधिकार के द्वारा लगातार विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लॉ एवं शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को ये भी बताया गया कि 12 नवम्बर को नवादा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए हम लोग जो है कि नवादा लोक अदालत से आए हैं और ये कार्यक्रम जो है कि हर लोग को जागरूक करने का है,
जिनको लॉ की जानकारी नहीं है, जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उनको जगाने के लिए हम लोग आए हैं। और जगाने के लिए लोग आए हैं कि जिस तरह से परिवार में माता पिता परिवार को जो है कि सुख और संपन्न देखना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो इम्प्लाई है उनका ड्यूटी बनता है कि अपने पेशेंट को अच्छी सुविधा दें और यहाँ जो सुविधाएँ हैं उस सुविधा से उनको उनका लाभ दिलाएं। खबर नवादा से है, जहां जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के मस्तानगंज गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि मृतका की पहचान गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनी गांव निवासी के रूप में किया गया और बताया जा रहा है कि महिला अपने मायके से ऑटो पर सवार होकर घर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बारसलीगंज से आ रही थी, टेम्पू से उतरने के क्रम में ट्रक तेज रफ्तार से आ रही थी, रौंदे चला गया। कहाँ पर घटना घटी? मस्तानगंज के पास। कहाँ की रहने वाली थी? रटनी की। बिहार सरकार की स्वतंत्र एजेंसी एसयूवी ने पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर एक साथ रेड किया, जिसमें आईपीएस दयाशंकर के यहां आय से अधिक 71,42,000 रुपए के सबूत मिले। इसके बाद एसयूवी ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद कार्यवाही शुरू किया, जिसके बाद भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों में हलचल मच गई। खबर सहरसा से है, जहां के रहमान चौक निवासी ज्योतिषचार्य पंडित तरुण झा जी की बेटी ने मात्र छह साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया और अपनी उंगलियों को हारमोनियम पर कुछ इस तरह फेरने लगी जैसे कि मानो वो उसके लिए बहुत आसान हो, और आए दिन बराबर वो अपने स्कूल के छोटे मोटे त्यौहार में गाना भी गाया करती है। दो साल से आप गा रहे हैं? अच्छा, क्या मतलब कैसे लगा आपको कि संगीत में आपका जो है वो दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको गाना चाहिए या सीखने का कैसे लगा? पहले मैं कहीं देख के गाने लगती थी, उसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं सीख रही हूँ। अच्छा, दो सालों से आप सीख रही हैं? हाँ। क्योंकि जब हम आए थे यहाँ, जब हम आए थे भैया बोले हमको, तरुण भैया बोले कि आपको इनको सिखाना है, तो हमको लगा कि कैसे सीख पाएगी, तू बहुत छोटी है, कैसे हम उन पे हाथ रखेगी, और हम बहुत मायूस हो गए। लेकिन जब अगले दिन हम आए और इसका क्लास शुरू किए, हम नोटेशन से करवाते हैं क्लासिकल म्यूजिक, इसको जैसे ABCD होता है वैसे इसमें भी ABCD सारे गाम पैदा निशा होता है, स्वर साथ होते हैं, वहाँ से स्टार्ट किए, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगे हम, तो हमको लगा कि बहुत अच्छा, जो भी हम इसको होमवर्क देते थे वो कंप्लीट करके रखती थी, और धीरे धीरे हम इसको सिखाने लगे, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये मेरा होमवर्क कंप्लीट करके नहीं रखी, और ये बहुत। खबर बिहार के सहरसा जिले से है, जहां आसमानी कहर ने लोगों के जनजीवन को काफी प्रभावित किया। बता दें कि ताजा मामला सामने आया है कि सहरसा जिला के प्रखंड क्षेत्र के जमहरा बलतोरा वार्ड नंबर 1 टोला में देर शाम हुई बारिश के दौरान ठनक गिरने से एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि घटना के समय घर के मालिक अपने परिवार के साथ दूसरे घर में थे, जिसमें पूरा परिवार बाल बाल बच गया। बता दें घर में रखा लाखों का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया, के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घर में भूसा भी क्षति हो गया, भूसा भी जर ले, सत्संग पर मशीन मन हुंडा छे सब कुछ जर गेल, साइकिल भी जर गेल, दू चार गो बर्तन रहे घर में रखल वो भी जर गेल, वैसे आए घर में जे छुटले यो घर में आधा सामान जर गेल। की नाम छे अहाँके? रिंकू देवी। घर जमरा। जानकारी तो भैया हमरा यही है, जिसका घर उड़ जल गया, बारिश का मौसम था, इसमें आदमी नहीं पहुंच सका, मशीन जल गया, घर कपड़ा जल गया, बस जिसमें कैसे आग लगा? ठनका गिरा, उसमें आदमी नहीं पहुँच सका, और इसमें 10-20 मन हजार अनाज था बोरा में, वो भी जल गया, कपड़ा लता ऐसे जल गया घर। नालंदा में इस्लामपुर फतुहा रेल खंड पर एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।
मामला नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव के पास की है, जहां मृतक की पहचान हरिवंश प्रसाद के रूप में हुई। वहीं घटना के संबंध में परिजन ने बताया कि हरिवंश प्रसाद पिछले 3 दिनों से घर से गायब थे। काफी खोजबीन के बाद उनका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। वहीं एक परिचित के द्वारा सूचना मिली कि हरिवंश प्रसाद की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इसी सूचना के आधार पर अस्पताल पहुंचे, जहाँ शव के पुष्टि होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। 3 दिन से खोज रहे, 3 दिन शाम से गायब, शाम के बाजार से ले जाते जाते थे, कल फिर नहीं, 3 दिन शनिवार के नहीं आए, फिर 7 तारीख है, 3 दिन से खोजते खोजते टेम्पो लग। कैसे पता चला कि इनका है, कैसे पता चला कि इनका थी हो गया, ट्रेन से कट गए? अभी न्यूज में टोटल जमा देखना भी दोष यार, जहाँ जहाँ न्यूज है ना, जहाँ जहाँ डलवाए थे कि कहीं भी कोई के मिले, सबके ग्रुप में न्यूज में के कहीं कोई के मिल लेता है। आज सूचना कैसे मतलब मिली? आज सूचना पर हिलसा के न्यूज से। फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।